हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया। स्नोरिंग, जिसे हिंदी में खराटे रहना कहते हैं, एक आम समस्या बन गई है। स्नोरिंग को मेडिकल टर्म में स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। दुनिया भर में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 45% पुरुष और 30% महिलाएं खराटे की समस्या से ग्रस्त है। खराटों के कारण लोग उनका मजाक भी बनाते हैं। खराटे लेते समय कभी कभी ठीक से सांस लेने में भी तकलीफ होती है और 10 सेकंड तक सांस ना ले पाने पर शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। ऐसे में नींद से उठने के बाद ही सुस्ती, कमजोरी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। खराटे और कमजोरी की ज्यादा समस्या होने पर डॉक्टर से पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी के द्वारा इसकी जांच करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप खराटे रहने की परेशानी से कैसे बच सकते हैं। रोजाना सोने से पहले गर्म पानी पिए, इससे गले की सांस की नली खुल जाती है और खराटे नहीं आते। एक ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक घोल ले, इसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले गरारे करें। इससे गले में होने वाली सूजन से राहत मिलेगी, जिससे खराटे होने की समस्या भी कम हो जाएगी। शहद में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। रोजाना 2 से 3 चम्मच शहद के इस्तेमाल से गले में होने वाली तकलीफ दूर होती है। लहसुन को सरसों के तेल में गर्म कर ले, फिर इस तेल से गले और छाती की मालिश करने से सांस लेने में होने वाली रुकावट दूर होती है, जिससे खराटों की समस्या से निजात मिलती है। किसी भी तरह की एलर्जी, सर्दी या शुष्क हवा के कारण होने वाले खराटों के लिए पेपरमिंट यानी पुदीना एक अच्छी औषधि है। 1 ग्लास पानी में पुदीने के तेल की 1 से 2 बूंदें डाल ले। सोने से पहले इससे अच्छी तरह गरारे करें, पर ध्यान रहे कि इसे आप निगले ना। और ऐसा रोजाना आप तब तक करें जब तक आपको खराटे आना बंद ना हो जाए। ऑलिव ऑयल एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये सांस की नली के टिश्यूज को आराम पहुंचाता है, स्वेलिंग को कम करके हवा के लिए खुला रास्ता बनाता है। इसके लिए आप रोजाना सोने से पहले ऑलिव ऑयल के 2 से 3 सिप ले सकते हैं, या आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को मिलाकर भी ले सकते हैं। खराटे होने के मुख्य कारणों में से एक है हमारी सांस नली में पड़ने वाली बाधा, जो नाक में जमी धूल मिट्टी के कारण भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा हमारी नाक को साफ रखना चाहिए। इसके लिए आप एक बड़े बाउल में उबलता हुआ पानी ले, फिर उसमें 3 से 4 बूंदे यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल या टी ट्री एसेंशियल ऑयल की मिला लें। फिर अपने चेहरे को बॉल के ऊपर झुकाकर अपने सिर को टॉवल से ढक लें और 10 मिनट तक भाप लें। कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करें, इससे आपकी नाक खुल जाएगी। क्लेरिफाइड बटर, जिसे हम हिंदी में देसी घी भी कहते हैं, उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बंद नाक को खोलने में मदद करती है। थोड़े से घी को हल्का गर्म करें, फिर एक ड्रॉपर के मदद से अपने दोनों नॉस्ट्रिल में 2 से 3 बूंदे डाल लें। इसको आप रोजाना सोने से पहले और उठने के बाद करें। 1 ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच इलायची का पाउडर मिलाएं और सोने से आधे घंटे पहले पी लें। इसका रोजाना सेवन से आपकी खराटों की समस्या दूर हो जाएगी। हल्दी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक एजेंट होता है। रात को सोने से आधे घंटे पहले 1 ग्लास गर्म दूध में 2 छोटे चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। ऐसा रोजाना करने से आपको बहुत ही जल्द खराटों से छुटकारा मिल जाएगा। इनके अलावा कुछ और भी ऐसे उपाय है जिनको अपनाकर आप खराटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको एक ही पोजीशन में सोने की आदत है तो कोशिश करें कि आप करवट बदल बदल कर सोएं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करें। ऐसा करने से आपके गले के पीछे के फैटी टिश्यूज कम हो जाते हैं, जिससे आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप कोई नशा करते हैं, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट
और शराब तो उसे छोड़ दे और कोशिश करे कि रोजाना एक ही समय पर सोए। सोते समय अपने शरीर को पूरा आराम दे और ध्यान रखे कि सोते समय किसी भी अंग पर जोर ना पड़े। सोने के लिए अगर आप नींद की गोलियों का सेवन करते हैं तो उसे बंद कर दे क्योंकि इससे भी खर्राटे आते हैं। इसके अलावा सोते समय अगर आप अपने सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोए तो भी इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटों की समस्या से बचने के लिए आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी प्राणायाम भी खर्राटों की समस्या में लाभ देते हैं। खर्राटे आपसे ज्यादा आपके परिवार वालों के लिए एक बड़ी परेशानी है। अगर आपको खर्राटे की तकलीफ है तो उससे निजात पाने के लिए आज से ही कोशिश शुरू कर दें। इसी के साथ खर्राटों से छुटकारा पाने के घरेलू उपायों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइफ केयर को यहाँ से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइफ केयर चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।